नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट डायरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। दुनिया में एक से एक घटनाएं होती हैं। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती हैं, तो कुछ घटनाएं बेहद चौंकाने वाली होती हैं। आज हम आपको दुनिया भर की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती हैं। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन ठीक ठाक कारण पता नहीं चल सके। हालांकि यह अपने आप में एक अजीबोगरीब है, लेकिन साइंस की तरक्की के बावजूद इन घटनाओं पर से अभी तक पर्दा नहीं उठ सका है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में जो अभी तक अनसुलझी और रहस्यमयी बनी हुई हैं। फ्लाइट हाईजैक करने वाला एक शख्स अमेरिका के पोर्टलैंड एयरपोर्ट से सिएटल के लिए उड़ान भरता है। अचानक वह खड़ा होता है और लोगों को प्लेन हाईजैक होने की जानकारी देता है। यह शख्स लोगों को अपने बैग में रखा बम दिखाता है। यह अमेरिका में प्लेन हाईजैक की पहली घटना थी। यात्रियों की जान बचाने के लिए उस शख्स को 2 लाख अमेरिकी डॉलर की रकम दे दी जाती है। वो शख्स पैसों से भरा बैग अपनी कमर में बांधकर पैराशूट के सहारे बीच में ही फ्लाइट से कूद जाता है। लेकिन जानकारों का कहना था कि नोटों से भरा बैग लेकर पैराशूट से सुरक्षित लैंडिंग मुमकिन ही नहीं है। ऐसे में कयास ये लगाया गया कि वो शख्स मर चुका है। लेकिन 2 साल बाद एक 11 वर्ष के लड़के को गांव की एक नदी के पास 3 बैग मिले जिसमें कटे फटे नोट थे। रियल नंबरों से पता लगा कि वो नोट वही थे जो शख्स को दिए गए थे, लेकिन बाकी के पैसों का कोई पता ही नहीं लगा। यानी वो शख्स जिंदा था और शायद आज भी जिंदा है, लेकिन दुनिया की किसी एजेंसी के पास सिवाय एक स्केच के उस शख्स से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की सरेआम हत्या में दिखे संदिग्ध। आज से करीब 52 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की सरेआम हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वहां हजारों लोग मौजूद थे, तस्वीरें ली जा रही थी और वीडियो शूट हो रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन हत्या के बाद जब वो तस्वीरें देखी गईं तो उनमें 2 बेहद हैरान कर देने वाले चेहरे थे। ये दोनों आज भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य हैं। पहला रहस्य था तस्वीरों में दिखने वाले एक शख्स जो कई तस्वीरों में काले छाते के साथ दिखाई दे रहा था, जिसे ब्लैक अम्ब्रेला का नाम दिया गया। तस्वीरों के मुताबिक ये शख्स हाथों में छाता लिए दिखाई दे रहा था। कहा जाता है कि जिस वक्त केनेडी की कार इसके बगल से निकली, उस वक्त इस शख्स ने अपनी छतरी को घुमाना शुरू कर दिया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को अंदेशा था कि शायद यही शख्स हमलावरों को सिग्नल दे रहा था। एक थ्योरी ये भी है कि इसी शख्स ने छतरी में बंदूक छुपाई थी और यही रहस्यमय शख्स केनेडी का हत्यारा था। उस दौरान ली गई तस्वीरों में एक महिला भी ओवरकोट पहने दिखाई दी। इस महिला ने एक कपड़े से अपना सिर ढका हुआ था। हत्या की पूरी वारदात के दौरान ये रहस्यमय औरत कई तस्वीरों में दिखाई देती रही। एक तस्वीर में देखा गया कि ये महिला हत्या के वक्त केनेडी के बेहद करीब थी और ऐसा लग रहा था कि वो अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ले रही थी। इस हत्या के बाद हर तरफ भगदड़ शुरू हुई, लेकिन ये महिला बेहद इत्मीनान से चहलकदमी करती रही। एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसमें केनेडी की हत्या के बाद ये महिला किसी शख्स से बातचीत कर रही थी। केनेडी की हत्या की जांच के दौरान अमेरिकी जांच एजेंसी FBI को इस महिला की तस्वीरों ने हैरान कर दिया। अमेरिका में इस महिला की पहचान के लिए कई इश्तेहार दिए गए। जांच एजेंसियों को लगा कि अगर इस महिला ने कोई वीडियो शूट किया है तो तस्वीरें केनेडी की हत्या का बड़ा सुराग दे सकती हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उस महिला की पहचान नहीं हो पाई। 1970 में बेवरली ओलिवर नाम की एक महिला दुनिया के सामने आई और उसने दावा किया कि वही वो रहस्यमय महिला है जो केनेडी की हत्या की तस्वीरें ले रही थी। मगर उसका दावा था कि हत्या के बाद उसे एक शख्स मिला जो खुद के FBI एजेंट होने का दावा कर रहा था और उसी ने वो कैमरा रख लिया। हालांकि FBI के पास आज भी इस महिला के दावे के कोई सबूत नहीं है और वो महिला आज भी एक रहस्य है। द फॉलिंग मैन। जब 9/11 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी।
इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई थी, पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। द हिरोशिमा स्टेप शैडो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया, सिवाय उसकी परछाई के। इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की। इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय नहीं था, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीरों को लोगों ने खरीदा और ये तस्वीरें सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी की तरह रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिखती रही। केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया था, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। ये बच्चा कौन था इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया था। केविन कार्टर ने इस आइकनिक फोटो के लिए पुलित्ज़र प्राइज भी जीता था, लेकिन इन्होंने कुछ महीने बाद ही सुसाइड कर लिया। माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। ग्रीन बूटों वाले शव की कभी पहचान नहीं हो पाई, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 से हुई, पर इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। विक्टोरिया डे पर किस करता अनजान कपल। जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था, तब यह तस्वीर अल्फ्रेड एसेनस्टेट द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर को खुशियों का आइकन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी ये कपल सामने आया ही नहीं। जिन लोगों ने दावे किए वो गलत पाए गए। सही आइकन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। त्यान आन मेन चौक पर टैंक के सामने खड़ा व्यक्ति। चीन में 3 और 4 जून 1989 को त्यान आन मेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बाद में भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई देख नहीं पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई, पर इस रहस्यमयी व्यक्ति की कभी पहचान ही नहीं हो पाई। फ्रेडी जैक्सन की रहस्यमयी फोटो। फ्रेडी जैक्सन, जो कि एयरपोर्ट पर मैकेनिक के रूप में काम करते थे, एक दिन अचानक से एरोप्लेन चालक द्वारा उनकी मौत हो गई थी। 2 दिन बाद उनके स्क्वाड्रन ने एक ग्रुप फोटो ली। जब ये फोटो निकल कर आई तो सभी बौचक्के रह गए और ग्रुप ने इस बात को माना कि यह फ्रेडी जैक्सन ही था। और सबसे रहस्यमयी बात तो यह थी कि यह फोटो उनके अंतिम संस्कार के दिन लिया गया था। स्पेसमैन। 23 मई 1964 में टेम्पलेटर ने बुर्ग मार्स ट्रिप के दौरान अपनी 5 साल की बेटी की कुछ तस्वीरें ली। टेम्पलेटन के दौरान उन्होंने अपनी बेटी की 3 फोटो ली, जिसमें से एक यह थी। इस फोटो को देखकर वे हैरान थे, क्योंकि उनके मुताबिक वहां कुछ बूढ़ी औरतों के अलावा कोई और नहीं था, और वो भी काफ़ी दूर थीं। लेकिन ये स्पेसमैन जैसा दिखने वाला आदमी फोटो में कहाँ से आ गया, यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़
लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सच्चे और अच्छे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।